मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव अंजलि। एक नई सुबह और एक नया दिन, और फिर से हम रेडी होकर निकल चुके हैं अपने नए सफ़र पर। और अभी हमें जाना है हिमाचल के रोहतांग पास और सिंकुला पास। तो हमें इसके लिए बहुत जल्दी सुबह निकलना था, फिर भी हम लेट हो चुके थे। और सबसे पहले हमें सिंकुला पास जाना था, तो वहाँ बहुत ही बर्फ़ थी जैसा हमारे ड्राइवर ने बताया। तो इसके लिए हमें कॉस्ट्यूम लेना होगा, जिससे हमारे अपने कपड़े ख़राब ना हो। और ड्राइवर ने हमें बहुत पहले ही बोल रखा था कि आपको, अगर आप सिंकुला पास जाना चाहते हो तो आपको ठंड के कपड़े पहनने पड़ेंगे, मीन्स गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो हमने स्वेटर वगैरह ले लिया था और कुछ हमने उलन कपड़े पहन लिए थे, वेयर भी कर लिए थे, बच्चों के भी अच्छे से कपड़े रख लिए थे। फिर भी हमने कॉस्ट्यूम्स लिए जो हमें रोहतांग पास या सिंकुला पास में पहनने के लिए चाहिए। आप ऊपर की ओर रोहतांग पास की तरफ जाते हो तो रास्ते में बहुत सारे एडवेंचर काउंटर मिलते हैं, जहाँ पहले से टिकट ले सकते हो या फिर एट द टाइम भी ले सकते हो। तो हमने भी ज़िपलाइन के टिकट लिए थे। तो आप अभी ओरिजिनल वॉइस में हमारे ज़िपलाइन के मज़े लीजिए। जिप लाइन में अगर आप दो लोग एक साथ हाथ पकड़ के जाना चाहते हो तो एक सेम वेट वाले एक साथ जा सकते हो। और यहाँ मैंने भी जिप लाइन के मज़े लिए। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत डरी थी, मैंने आइज़ क्लोज़ किया था, बीच में जाकर मैंने ओपन किया था। मैं बहुत डर गई नीचे की हाइट देख करके। फिर वापस लौटते वक्त मैंने अपने आइज़ ओपन कर रखे थे। और यहाँ प्रिंसी को भी डैडी के साथ हैंड पकड़ कर जिप लाइन करना था, बट दोनों की वेट पे काफ़ी अंतर होने की वजह से दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन प्रिंसी ने भी बहुत मज़े किए, बहुत एक्साइटेड थी वो भी जिप लाइन के लिए। तो इस तरह से हमने अपना जिप लाइन कम्प्लीट किया। जिप लाइन के बाद हमें बहुत भूख लग रही थी। एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम था, ब्रेकफास्ट का टाइम था, और हमने ब्रेकफास्ट नहीं खाया था क्योंकि हमें रास्ते में खाना था। और टाइम से हमें आगे भी जाना था क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमें पास लेना होता है ऊपर जाने के लिए। तो एक्चुअली हमारे ड्राइवर ने पहले हमें बोला था कि वो हमें दारचा के से ऊपर बारालाचा है वहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ बहुत ही बर्फ़ है, उन्होंने ऐसा बताया था। लेकिन हम अपने टाइम से थोड़े लेट हो गए, तो वहाँ जाने का पास हमें नहीं मिला और हमें सिंकुला पास जाने का पास मिला। थैंक गॉड कि हम सिंकुला पास गए। जो भी सिंकुला पास जा रहा था वो कह रहा था इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। अभी तो हम गए नहीं हैं, रास्ते में हैं, लेकिन ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। और रास्ते में हमें ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुकना था, तो हम अच्छी जगह देख रहे थे कि कहाँ अच्छा सा रेस्टोरेंट हो जहाँ बच्चे भी अच्छे से खाएं। और फिर रास्ते में एक छोटा सा टनल मिला था हमें, और हमें बहुत ही ज़्यादा वेट था हमें अटल टनल का। सबसे ज़्यादा वेट हम कर रहे थे कि अटल टनल कब आएगा, कब आएगा। अटल टनल विश्व की सबसे बड़ी टनल है, बिगेस्ट टनल ऑफ वर्ल्ड है, और ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। हे गाइस, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टनल को सीमा सड़क संगठन ने बनवाया है, बीआरओ ने, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीआरओ ने बनवाया है। और यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, जिसे लोगों का जीवन बहुत ही सरल और समय की बचत होती होगी जब ये टनल बन गया है। तो हे गाइस, तो आगे हम वीडियो में अब टनल के अंदर एंटर करने वाले हैं, तो आगे की वीडियो को आप म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए।
अटल टनल की जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है, और ये 9.02 किलोमीटर इतनी जल्दी क्रॉस हो जाता है क्योंकि अंदर बहुत ही अच्छा लगता है हमें, अंदर का रोड बहुत ही अच्छा है, और बाहर निकलते जो आपको सुखद अनुभूति होती है, वाव वाव वाव, बस यही आपके मुंह से निकलेगा। मतलब लोग तो चारों तरफ रुके पड़े थे फ़ोटो क्लिक्स कराने के लिए, बट हमें नहीं रुकना था, हम वापस में आना चाहते थे, रुक करके फ़ोटो क्लिक कराना चाहते थे क्योंकि हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलना था, बिकॉज़ हम टाइम से थोड़ा लेट ही चल रहे थे। तो ऐसे क्योंकि आपको जब व्यूज़ अच्छे लगते हैं, तो हमने ड्राइवर को बोल रखा था कि प्लीज़ आप गाड़ी थोड़ा स्लो चलाओ ताकि हम अपनी आँखों से ये सुंदर व्यूज़ देख सकें जो हम देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। यहाँ हम रुके थे और हमने यहीं पर ब्रेकफास्ट खाया था, और थोड़ी देर के ब्रेक के बाद हम फिर निकल पड़े थे अपने नए सफर की तरफ। गाइस, जैसे ही हमने माउंटेन्स को बर्फ़ से ढका हुआ देखा, अब ऐसे लगा हमारी मंजिल हमें मिल ही गई है, और हम यहाँ रुककर थोड़ा सा हमने फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर थोड़े से फ़ोटो और वीडियोस क्लिक करने के बाद फिर से हम अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े क्योंकि हमें जाना था सिंकुला पास। हेलो गाइस, और इधर आने के बाद मैं क्या ही बताऊँ, मुझे कैसा फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था मैं हेवन में आ गई हूँ। वहाँ की जो खूबसूरती थी, ब्यूटी है, उसको शायद मैं वैसे बयान ना कर पाऊँ जितना सुंदर या जितना खूबसूरत वो जगह था और जितना आँखों से देखने में महसूस हो रहा था। मतलब क्या ही महसूस हो रहा था, कैसे महसूस हो रहा था पूछो मत। इतनी खुशी मिल रही थी, सब खुश हो रहे थे बर्फ़ देख करके, क्योंकि हम देखने भी तो वही गए थे। दिल्ली की इतनी गर्मी से परेशान होकर हम पहाड़ों में गए थे बर्फ़ देखने, हम वहाँ गए थे पहाड़ों की खूबसूरती को महसूस करने, तो वो सब कुछ हमें वहाँ मिल रहा था, तो हम खुश क्यों ना हो दोस्तों।
फाइनली गाइज हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे और वहां पहुंच कर हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। यही है सिंकुला पास, जहां पहुंच कर हमने खूब इंजॉय किया, बर्फ से खेला। यहां नेशनल फ्लैग को देखकर जो मन में खुशी मिलती है और जो महसूस होता है वो भी मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। गाइज यही तो है हमारे भारत देश की खूबसूरती, जहाँ भी आप जाओ एक अलग पहचान है हमारे राज्य की, हमारे देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग पहचान है, लेकिन सब मिलकर हम क्या बनाते हैं, एक भारत देश। गाइज ये सिंकुला पास 16,580 फिट की ऊंचाई पर है, तो वहाँ से हमें टाइम से फिर नीचे भी आना था, अपने होटल्स भी आना था। और इस ट्रिप पर जो सबसे ज़्यादा जिस पर्सन ने हमारी हेल्प की है वो हमारे ड्राइवर भैया ने है। आपको पता है पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं, हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन भैया ने हमें बहुत अच्छे से दो दिन हमें बहुत अच्छे से घुमाया, तो थोड़ी बातचीत ड्राइवर भैया से भी हो जाती है। ड्राइवर भैया मंडी के रहने वाले हैं, लेकिन ये टाइम से बिल्कुल होटल पहुँच जाते हैं, अगर आप इनको जहाँ लेकर जाना चाहो। और भैया आपका नाम क्या है? जीवन ठाकुर। अच्छा, आपने तो हमें बहुत हेल्प किया ऊपर ले आने में, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मैं और लोगों को रिकमेंड करूंगी आपके साथ आए। और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। 9805633060 जीवन ठाकुर। गाइज ये व्यू है लाहौल के सिसु विलेज की। और गाइज आपसे मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात भी करनी है, अगर आप बहुत हाइट पर जाते हो, बच्चों के साथ जाते हो, तो बच्चों को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ऊपर बहुत हाइट पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है। जैसे जहां हम गए थे वहां तो बहुत ही कम था, बड़ों को भी तकलीफ हो रही थी सांस लेने में, बच्चों को भी हो रही थी, तो हमारे बच्चे परेशान हुए थे। तो अगर आप भी बच्चों के साथ जा रहे हो तो प्लीज़ आप पहले से सावधानी रखें, एहतियात बरत कर जाएं, हो सके तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाओ। और गाइज फिर हम ऊपर से नीचे आ गए थे और हम अटल टनल के पास आ चुके थे, और अब यहाँ हमने रुक करके फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक कराए थे। और इस तरह से हमारी सेकेंड डे की भी जर्नी कंप्लीट होने वाली थी। गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज मनाली ट्रिप व्लॉग का थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, तब तक आप मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।